सांसद की अगुवाई में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। इस दौरान सांसद ने जनता की सुनी समस्याएं। कुशीनगर जनपद के दुधई विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभावास गांव के टोला जमुआन में स्थित शिव पार्वती मंदिर के प्रांगण में वृहद निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि देवरिया लोकसभा क्षेत्र से नव निर्वाचित सांसद शशांक मणि त्रिपाठी रहे। स्वास्थ्य शिविर में कुशीनगर के चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने सेवाएं दी। शिविर के शुभारंभ पर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जिले के लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आयोजित किया गया है, सभी को इस शिविर का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर लोगों को अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता और वे बीमारी से पीड़ित रहते हैं, ऐसे में कई बार अनहोनी भी हो जाती है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में कुल 350 मरीजों का चिकित्सीय जांच कर मुफ्त दवाओं का वितरण किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम के बाद सांसद ने विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं को भी सुना तथा शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शशांक मणि त्रिपाठी, संसदीय क्षेत्र देवरिया भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर असीम कुमार राय, विधायक तमकुही राज, सब पूर्व क्षेत्रीय संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ, कार्यक्रम के आयोजक विजय निषाद, डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, जिला सह संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ और कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर नीलकलम, कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर नील कमल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर दीन मोहम्मद, डॉक्टर कदर यादव, सर्जन बाल रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग, कार्यक्रम के आयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा कुशीनगर डॉक्टर डी के गुप्ता MD, जिला संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ कुंवर डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह BDS, जिला सह संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर गणेश पांडे BAMS, जिला सह संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर रघुपत शरण पटेल BAMS, डॉक्टर विजय गुप्ता BAMS, भाजपा नेता दीपक द्विवेदी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी आज उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के विकास खंड दुधई अंतर्गत जमुआन घाट में, जहाँ पे शिव स्थान बहुत प्राचीन शिव स्थान है और यहाँ के प्रांगण में लोग उपस्थित हैं, जहाँ पे आज बृहद निःशुल्क चिकित्सा शिविर का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है और इसी संबंध में आज जानकारी लेते हैं जिला सह संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर कुंवर महेंद्र कुमार सिंह, आज हम उनके बीच खड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर जो ये शिविर लगाया गया है इसका उद्देश्य क्या है और ये आज क्यों पहली बार लगा है कि इसके बाद भी लगने वाला है। स्वागत है आपका। ये जो शिविर है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी की जो भावना है कि अंतिम पायदान तक व्यक्ति को हर सुविधा दी जाए, हम लोग चिकित्सा प्रकोष्ठ के आप हमारे जिला संयोजक गुप्ता जी, मैं सह संयोजक डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह और विजय गुप्ता जी, आइए आप हमारे मंडल के सह संयोजक अमावती का मंडल जो है डॉक्टर विजय गुप्ता जी, हमने मेडिकल कोशिश मेडिकल कॉलेज के प्रख्यात चिकित्सक जो हैं जिनका हमने अभी इंटरव्यू लिया है, जो सुबह से सेवा दे रहे हैं, सुबह आपको डॉक्टर विजय सिंह जी, डॉक्टर विजेंद्र राम जी हैं, डॉक्टर नीलकमल जी, डॉक्टर कर्दप यादव आदि सबके साथ, तो अब तक लगभग 300 से ऊपर मरीजों को देखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जब तक अंतिम पायदान तक लोगों को उनके घर तक जाके स्वास्थ्य सुविधा दे सको, जितना हम देखा ये जो इलाका है ये बिन मल्लाहों का इलाका है, जो लोग अभी भी पटौना जाते समय भी अपने इलाज करते समय सोचते हैं कि कैसे दो पैसे लगेंगे, समय कितना लगेगा, अगर हम गए तो हमारे यहाँ रोटी रोटी छीन जगी हम शाम तक जुगाड़ हो पाएगा, तो हम हमारी कोशिश ये है कि हम उनके घर तक आए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी, दवाएं भी वितरित हो रही हैं, वितरित की गई, जो गंभीर बीमारियों के मरीज थे उनको भी दवाई दी गई। और आप जैसे आपने पूछा कि कितना शिविर, ये जो हम लोग का कार्यकाल है चिकित्सा प्रकोष्ठ का 3 सालों का, ये हमारा 19वां शिविर है और तमकुहिया विधानसभा में ये 3रा शिविर है। ये अपना जो हर चिकित्सा प्रकोष्ठ की जो टीम होती है वो अपने अनुसार लगवाती है, तो हम लोग 3 साल में जब हमारा कार्यकाल हुआ था 2021 से तब से तक में हमने 19वां शिविर लगवाया है इस कुशीनगर जिले में।
सुनने में आया कि माननीय सांसद जी यहाँ आने वाले हैं। ये सांसद जी के ही था कि सांसद जी का आपने स्लोगन सुना होगा, सबका प्रयास सबका विकास। उसी सबका प्रयास में हमने भी छोटा सा प्रयास किया है कि स्वास्थ्य शिविर इस लोकसभा में जहाँ जहाँ लगाया जाए, प्रयास ये कुशीनगर जिले का तब कोई विधानसभा है जो देवरिया लोकसभा के अंतर्गत आता है, तो इसका सबसे पिछड़ा काम 22 गाँव में भी ये सबसे पिछड़ा टोला है। सर हमें जाने का प्रयास करें कि केवल यहीं पर लगेगा कि इसके बाद भी कहीं मन में विचार नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो हम लोग हर कुछ महीनों पर करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे डॉक्टर कर्तव्य यादव जी जो है और दिन मोहम्मद जी ये हमारे साथ जनवरी महीने में ही दुधई में भी उन्होंने सेवाएं दी थी, क्योंकि अपने कुशीनगर जनपद में काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछड़ा इलाका है, क्या वहाँ पर लगेगी? बिल्कुल, जब जैसे जैसे समय व्यवस्थाएँ बनेंगी उस हिसाब से किया जाएगा। सर आपका शुक्रिया डॉक्टर। सर यहाँ पे जो शिविर लगाया गया है अभी तक हम लोग कितने मरीजों का इलाज होगा? जनता तभी रहेगी जब मैं उनके साथ इसी साल का संकल्प अगले 10 साल में 5 साल में पूर्ण होगा, और इसके लिए आपके प्रयास की जरूरत है। लेकिन जीडी भी तो एक महत्वपूर्ण इसमें होगा हो जाए तो क्या होगा, मतलब जो घर है आज की तारीख में है उसका हम आपको नहीं करेंगे। यहाँ के सड़क के नहरों है उसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के चिकित्सालय है जो आज सुन रहे थे घंटे मीटिंग उसको हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के जो स्कूल है कॉलेज है उसको आगे बढ़ाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, उसको भी हमें समझाना पड़ेगा दोस्तों। विकसित भारत हमारे एक नारा ना हो, अगले 10 साल के लिए अगर हमें करना है तो उसको लोन बीच में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पर्यंत रखा जा रहा है विपक्ष का, आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया आदरणीय हमारे राष्ट्रपति के उद्बोधन के बाद, ढाई घंटा बोले बैठक लिए 5 फीट के पीछे बैठा हुआ, ढाई घंटा बोले और जो कि उनको बोलने नहीं दिए, इतनी अराजकता आज की तारीख में जब कांग्रेस के 99 सीट है, उनको ऐसा लग रहा है उसे जन्म ही नहीं दिया है। एक चीज प्रधानमंत्री ने बताई कि 99 आप उसका जोड़ लीजिए, पिछले लोकसभा में जोड़ लीजिए, उसके पहले लोकसभा में जोड़ लीजिए, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों से कम ही सीटें उनकी मिली है। इस प्रकार से इस छल कपट के विपक्ष को ध्वस्त करने के लिए आइए दोस्तों मिलजुल के ऐसे विकसित भारत का स्वप्न देखें और उसको लोगों को समझाएं, माता बहनों को समझाएं कि अगर ये डिग्री दूना होगा तो उनके घर में भी ज्योति हजारों रुपए अपने स्वतः परिसर से ला सकेगी। मूझ का निर्यात में कर रहा हूँ, कई ऐसी चीजों में निर्यात कर रहा हूँ, तो ये लोग मेरा दूसरा था धन्यवाद ज्ञापन। और तीसरा अंतर यह है यह मंडल यह क्षेत्र मैं भी एक जमीन खरीदने वाला हूँ, तो मैं हर रात देखने के लिए कितनी डूबी है पानी में ताकि मैं भर रहा हूँ तो शुरू हो गया, तो मैं जा रहा हूँ देखने के लिए, इसके बाद मैं कल चल जाऊँ। तो मेरा लगाव इस क्षेत्र से इसीलिए है कि जमीन में खरीद रहा हूँ डूब जाती है, इसीलिए अगर कपड़े होती तो देवरिया में या गांधीनगर में नहीं खरीदा। मेरा लगाव इसीलिए है कि सूरज अपने संसदीय क्षेत्र का लगभग आप ही के मंडल से चला, अगर आपके मंडल से चलाऊंगा आपके विधानसभा में चलाऊंगा तो मेरा पूरा विश्वास है पूरा क्षेत्र है और आपकी विधानसभा आपका मंडल बहुत किया है। यहाँ पर जो मैं आया था मुझे लेकर के घर पे तो मैंने उनसे बात कर रहा था, लेकिन उनके छप्पर को मैं ज्यादा देख रहा था कि उनके छप्पर में जो ड्रॉइंग में है तो किस प्रकार का हम लोग बताया छप्पर वाला मेरा ही रखा गया, मैं वहाँ सीमेंट वाला छत नहीं बन पा रहा, थोड़ा उनसे आधुनिक अंदर मुझे सीखूंगा। और एक और है इसका सम्मान दिल्ली में है, इसका सम्मान अंबाडी में है, अपनी
भारत को अपनी संस्कृति को बटोर के आगे चले, उसे भयभीत ना हो, उसे इसको अपनाए। इसीलिए मैंने अपना घर इसको मैंने नाम रख दिया है, उसका नाम या तो नारायणी आश्रम होगा या नारायणी गांव हो। इस प्रकार से हम नारायणी के महत्व को भी आगे बढ़ाएंगे। नारायणी एक छोटी नदी है, सब लोग शरीर की बात करते रहते हैं, मैं भी शरीर पा रहा हूँ, मुझे भी शरीर का खड़ा है, लेकिन मुझे नारायणी से ज्यादा अपने कहें तो कई बार दीगर के लोगों ने, सब दो बार के लोगों ने मुझे बहुत विश्वास जताया है, और उसके लिए आपके बीच हर्षण आता है। जब भी आप लोग जाएंगे, शिविर की दूरी मेरे घर से करीब दो घंटे की थी, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बोला बोला कहाँ बात बोला नहीं जब वहां से बात हम लोग चलो हम दिखाएगा दर्शन करेंगे हमके लोग मिलेंगे और मान जी कहाँ आ रहे हैं।